मेरा नाम आस्था जैन है और मैं यही प्रतापगढ़ से ही हूँ, मंडावरा से ही, जहाँ से शक्ति राज है। और मैं 2019 बैच से सेलेक्टेड हूँ और अभी RNT उदयपुर से MBBS कर रही हूँ। मैं 10th करके 11th में CLC गई थी। 11th 12th मैंने फाउंडेशन कराया है और 12th के साथ मेरे मार्क्स 500 आए थे। उस टाइम कट ऑफ 535 थी और तब मेरा KVPY में हो गया था। और जो बोल रहे थे बॉस की बोर्ड के परसेंटेज कम आते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे भी 92% थे बोर्ड में 12th में। और फिर एक साल मैंने ड्रॉप किया और फिर हो गया। तो जब मेरा 12th में हो गया था, तब एक बार पापा आए थे उधर CLC में, वो कोई चाचू का एडमिशन कराना था, तो झुंझुनू एक तो वहाँ पे गए थे। तो पापा फिर बॉस के पास भी चले गए, तो फिर बॉस ने बोला कि बॉस को उस टाइम मेरा एडमिशन कराने नहीं आए थे, वो चाचू का ही कराने आए थे, लेकिन बॉस को लगा कि शायद मेरा करा रहे हैं प्राइवेट। तो बॉस ने बोला कि नहीं, उसको एक साल और भेज दो और उसका गवर्नमेंट हो जाएगा। तो फिर ऐसे कुछ उस टाइम कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बॉस ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो फिर बॉस का मेरे पास कॉल आया था, तो बॉस ने एग्जैक्टली बोला कि तू मेरी बेटी है और मैं बेटी समझता हूँ तुझे, और एक अच्छी बेटी की तरह बैग पैक कर और संडे को आ जा, और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, CLC के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और फिर मैं चली गई थी वहाँ पे और फिर मेरा हो गया। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि वहाँ जो भी शेड्यूल है सब फिक्स होता है, खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉस मतलब टेस्ट है जो भी है सब फिक्स है वहाँ का, बस उसको फॉलो करो, 100% सफलता मिलेगी। और अगर नहीं भी मिली तो जो शेड्यूल को फॉलो करोगे उससे मेहनत करना तो सीख ही जाओगे। और फिर वहाँ जो पढ़ाते हैं वो साथ में शिक्षा और संस्कार सब चीज़ें होती है, तो एक सफल इंसान तो बना ही देती है अगर IIT JEE में नहीं भी हुआ तो। और बाकी वहाँ के CLC के खुद के हॉस्टल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी हॉस्टल्स में ही रही हूँ 3 साल। और बस मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि सब CLC में एडमिशन ले। और थैंक यू।